Yes, I remember that around 20 years back, I was also a student like you all, and I was always a backbencher. Kabhi aage ki seat pe nahi baitha because dar lagta tha. Ye teacher kuch pooch nahi le. Anyway, that time was different, this time is different. Aaj ke jo students hai, bahut zyada informed hai. They know which direction they are going. They are very clear as compared to what we used to be 20 years back. So I am not going to teach you anything from academics, Newton's ka law ya third law of thermodynamics hum nahi padhne ja rahe hain yahan par. Hum sirf baatein karenge. Baatein karenge about the course which you have chosen to be in. And which direction this course is taking you? Aap mein se bahut sare log Hindi is okay, English, Hindi mix is okay with everybody? Yes. How many of us do not know Hindi? Everybody knows. Good. So, idea is to communicate. Sabki samajh mein aana chahiye rather than main bolta raho aur aap samajh nahi paaye, wo nahi hona chahiye. So, आपकी एक डिफरेंट जर्नी शुरू हो चुकी है. ऑल ऑफ यू हैव गॉट इनटू अ ब्यूटीफुल प्रोफेशनल कोर्स और ये ब्यूटीफुल प्रोफेशनल कोर्स ये एक काबिल इंस्टीट्यूट आपको कितना काबिल बना सकता है आने वाले 3-4 सालों में हम इसके बारे में बात करेंगे. इज दिस टॉपिक इंटरेस्टिंग? ओके. यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने जो कोर्स चुना है वो आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज से कैसे मैच करता है. एक आदमी है बहुत डरा सहमा रहता है और उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लिया. विल ही बी एबल टू परफॉर्म? सो ही हैज नॉट चूजन अ राइट कैरियर. एक बहुत बहादुर दिलेर आउटगोइंग बंदा है या बंदी है और उसने एक आईटी कंपनी ज्वाइन कर ली और कंप्यूटर पे बैठ के सवेरे शाम अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है. विल ही बी हैप्पी? नो. एग्जैक्टली. सो आप यहाँ पर करीब 150 से 200 के करीब लोग हैं. सब अलग पर्सनालिटीज के लोग हैं. सबके अंदर कुछ खूबसूरतियां हैं, कुछ कमियां हैं. डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग एनवायरमेंट में रहे हैं, डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड हैं, अलग अलग तरह के सिबलिंग्स हैं, लाइकिंग्स डिसलाइक्स सब अलग हैं. लेकिन आज ये सारे अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पर एक कोर्स को फॉलो कर रहे हैं और ये कोर्स बहुत एक वास्ट कोर्स है. इट हैज वेरियस मॉड्यूल्स, वेरियस सब्जेक्ट्स, वेरियस स्ट्रीम्स विच विल मेक यू थिंक विच डायरेक्शन ऑफ लाइफ, which direction of professional life you are going to take in. बीच बीच में मैं कुछ questions भी करता रहूंगा आप लोगों को. I hope you guys don't mind. I would like to know that आप corporate world या industries के बारे में कितना जानते हैं. आपने काफी कुछ पढ़ा भी होगा बट जो गूगल में दिखता है या जो आप पढ़ के आए हैं चीजें थोड़ा सा डिफरेंट होती है. गूगल आपको शायद जो इन्फॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर से गैदर करी है या मैगजीन से गैदर करी है या आपको आपने लोगों से सुना होगा वो एक्चुअल लाइफ से बहुत डिफरेंट होता है. सो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट आर द फंक्शंस व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन हैज. एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. हर डिपार्टमेंट का नेचर अलग होता है. जैसे आप सबके नेचर बिल्कुल अलग अलग है. यू गाइज बिलोंग टू डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस. सो एवरी फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ बिहेविंग एंड टेकिंग थिंग्स. सो एक एक करके आप बताइए कितने फंक्शंस. Okay.
it is divided into so many functions which make a complete organization. Let us talk about them one by one. अब यहाँ से आपका दिमाग सोचना शुरू करना चाहिए कि which department I belong to, which department my passion belong to. मैं जिस तरह का background लेकर के आया हूँ या आई हूँ, कौन सा department मेरे लिए सबसे ज़्यादा suitable होगा? बहुत सारे लोगों ने आपस अभी तक सोच रखा होगा, I will go to finance, I will go to HR, I will go to operation, factory. But क्या वो आप सही दिशा में सोच रहे हैं या किसी के influence में सोच रहे हैं? मेरे चाचा जी हैं factory में king बन के बैठ के काम करते हैं, मुझे तो factory में ही engineer बनना है. ऐसा हो सकता है. फ्रेंड के फादर एचआर डिपार्टमेंट में है, किसी की भी नौकरियां लगा सकते हैं, किसी की भी नौकरियां ले सकते हैं, ये बड़ी अच्छी जॉब है, मुझे ये चुनना है. बहुत सारे सवाल आते होंगे माइंड में. सो वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस एंड कहां आपका इंटरेस्ट बिलोंग करता है. क्या आप उस फंक्शन के लिए बने? आर्मी वाला बंदा एग्जाम्पल दिया. सो वॉट इज द फर्स्ट फंक्शन आप बताएंगे? चेक शर्ट. Which function you think in an organization is the most important function? HR. Very good. HR, as per him, is one of the important function. He is right. What is the second function? Aap bataenge? So finance. Finance. Very good. Sab pata hai aapko. मैं कुछ नया नहीं बताने जा रहा, लेकिन आप किस फंक्शन के लिए बने हैं और किस फंक्शन में आप फ्लरिश करेंगे, खुश रहेंगे, हम उसको लिंक करेंगे आपस में. फाइनेंस इज द अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन. पैसा कंपनी में आता है, कंपनी खर्च करती है, फाइनेंस कंट्रोल करता है उसे. आप बताइए तीसरा फंक्शन कौन सा? मार्केटिंग. वेरी गुड. आई बिलोंग टू मार्केटिंग. What else? Planning. Planning तो हर function में involved है. Marketing planning होती है, finance planning होती है, HR planning होती है. Planning कोई department नहीं होता. Operations. Very good. Operations. इसको manufacturing भी कह सकते हैं. Operations and manufacturing. आप बताइए नेक्स्ट फंक्शन कौन सा हो सकता है? लॉजिस्टिक्स. वेरी गुड. वो ऑपरेशंस का ही पार्ट होता है, तो इसको हम यहां लिखेंगे. क्या दो तीन चीजें रह गई? सेल्स. वेरी गुड. माल बिकेगा नहीं तो पैसे कहां से आएंगे? वो मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है. क्या कहा? रिटेल. रिटेल तो सेल्स का ही है. रिटेल में भी फाइनेंस एचआर ये सब होता है. वेरी गुड. एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजिंग भी मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है. मेन फंक्शंस एंड सब फंक्शंस, ये दो चीजें अलग अलग होती हैं. मेन फंक्शंस ऊपर लिखी हुई हैं और उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं, अलग अलग एक्यूमेंट के लोग उसमें काम करते हैं, वो उसके सब फंक्शंस होते हैं. बिजनेस एनालिटिक्स. इट इज नॉट अ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट. कुछ ऑर्गेनाइजेशन, फ्यू ऑफ देम, में एक स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट अलग होता है. अदरवाइज स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ और इन फंक्शंस के हेड मिल करके स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट बनाते हैं. उसके लिए कोई इंडिपेंडेंट हायरार्की नहीं होती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. क्या रह गया? एडमिनिस्ट्रेशन भी एचआर का ही एक फंक्शन है, सब फंक्शन है. सीएसआर भी एचआर का एक फंक्शन है. लीगल ऑल्सो इज. वेरी गुड.
हम इतना बड़ा वो हम बना देंगे मैंने सोचा नहीं था, लेकिन काफी अच्छा जा रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट. दिस इज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट. वेरी गुड. और क्या रह गया? इंटरनेशनल बिजनेस भी मार्केटिंग एंड सेल्स का ही एक हिस्सा होता है. ओके, ठीक है, इतना काफी है हमारे लिए. हियर आई वॉन्ट योर अटेंशन. दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड ऑर्गेनोग्राम और फंक्शन ऑर्गेनोग्राम. ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं. ब्रॉडली द इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, जहां प्रोडक्ट्स बनते हैं फैक्ट्रियों में और बाजार में बिकते हैं और कंज्यूमर उसे खरीद के इस्तेमाल करता है, यूज करता है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज वन टाइप ऑफ इंडस्ट्री. सर्विस इंडस्ट्री इज अ डिफरेंट. यहां पर ये हम थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए यहां पर ये जानना बहुत जरूरी है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री और क्या इंडस्ट्री होती है? कंसल्टेंसी कम्स इनटू सर्विस ओनली. आईटी भी सर्विस ही है. आईटी इंडस्ट्री है. फॉर एग्जांपल इंफोसिस, वो इंडियन रेलवे के रिजर्वेशन के सॉफ्टवेयर बना रही है, तो वो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. सो दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सर्विस, डॉक्टर है सर्विस इंडस्ट्री है, एयरलाइंस है सर्विस इंडस्ट्री है, होटल सर्विस इंडस्ट्री है, कंसल्टेंसी सब सर्विस इंडस्ट्री का ही पार्ट है. ब्रॉडली अगर देखें, ब्रॉडली सो यही दो इंडस्ट्री है. या तो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं. इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री द फंक्शंस ऑर्गेनोग्राम विल लुक लिटिल डिफरेंट. व्हाई? इन सर्विस इंडस्ट्री द मे बी इन सर्विस इंडस्ट्री लॉजिस्टिक्स विल नॉट बी देयर बिकॉज प्रोडक्ट इज नॉट, प्रोडक्ट का मूवमेंट, ट्रक फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना, ट्रक में लदा और वो कंपनी के डिपोज में जा रहा है, डिपो से फिर रिटेलर्स शॉप में जा रहा है. लॉजिस्टिक्स इज इन्वॉल्व, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है. सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है? चार आईटी के बंदे हैं, वो उठ करके गए एक कंपनी में, तीन महीने के लिए लग गए और वहां पर उन्होंने जो करेक्शंस करने थे ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर में किए और वापस अपनी पेरेंट कंपनी में वापस आ गए. सो लॉजिस्टिक्स इज नॉट इन्वॉल्व. चार लोग गए वापस आ गए, दैट्स इट. सर्विसेज ऑफर करके आ गए. कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाउ मेनी ऑफ यू, हाथ उठाइएगा, एचआर में अपने आप को सोचते हैं कि दे विल डू वेल, दे आर लाइकिंग इज एचआर. हाउ मेनी ऑफ यू? 4, 5, 6 of you. Out of 150 people sitting here, 5 people think that unko HR mein apna career pursue karna chahiye. Let us write a number here. Finance, quite a lot. Roughly 50. R&D, 1, 2. Okay, आप बताइए R&D में what do you think आपको क्या करना होगा? So it's just the innovation of the new technologies in the market. Okay, good. And developing like in an electronics company, meter company, we have to research how we can innovate the new meter. Market. Okay, you have an existing product, yes, and there are certain issues or maybe technology is outdated and you want to get a new technology and build up a similar product in a better form, right? Yes. Okay, fine. Very good. So R&D, here I see there are two people who are interested in R&D functions. Operations and manufacturing, how many of you? 10 of them? 8, 10 of them? You guys are engineers? Yes.
IT. How many of you would like to pursue your career to IT industry, IT department of an organization? Nobody. Strange. Question mark. Marketing and sales? Wow. Good, good, good. Most of you. Around 75? The number of people sitting here, exactly, I'm very happy to say that, is the proportion which an organization offer as an employment. Ek organization hai, wahan 150 log agar kaam karte hain, jitne yahan baithe hain, usme sabse zyada log sales and marketing mein hote hain, sabse zyada. So the proportion, Mr. Prasad, is very well balanced at your institute. I'm very happy to say that. It's going into a right direction. Any organization recruits or employs around unki jo manpower ka percentage hai, wo 75% log is function mein hote hain. Be it sales, marketing, advertising, digital marketing, all forms of sales and marketing. 75% people, take Reliance Industries, huge organization, 1,75,000 employees. 1,75,000 employees work for Reliance Industries. 75% of them are into sales and marketing. Fine? Then, finance, a lot of people are here. These guys are going to face a lot of competition because only 5% people of an organization are into finance function. 5% of them. Organization has 100 people, 5 log sir finance mein honge. Ek CFO hoga, uske niche do accounts ke log honge, ek accounts ka hoga, ek finance ka hoga. Aur unke niche mein bhi 2-3 staff aur log honge jo reports receive karke usko computer mein punch in karte hain, debit entry, credit entry, those type of things. So only 5% scope is there in finance. I'm talking about these two industries which I was referring to. Manufacturing industry, which manufacture products, and service industry. HR has little limited scope. Only 1% of an organization, staff, number of employees are in HR department. To control 100 people, only one HR person is required. Recruit, train them, and get their performance appraisals done. How this guy is performing. Is he well trained? Ye kaam hota hai ek HR ke log ke manpower ka jo ye sari cheeze karta hai. Limited, most limited scope is in HR. Haan, agar aap kisi manpower recruiting consultancy mein chale jaye jahan par 50 log honge, wo 50 ke 50 HR ke honge. Kyunki unka kaam hi hai head hunting, recognize right talent, offer it to them, the employees where there is a requirement. Coming to operations and manufacturing. If it is a manufacturing industry, Pepsi, Coke, Gillette, Parle, Britannia, all of them are manufacturing industries into food products. Maruti, Hyundai, car automobile. Ye bhi manufacturing industry mein hi aate hain. Operations mein 15% lower, 10%, 10 to 15%. Scope. Correct? And R&D again, it is 1%. And IT is 2%.
इसका टोटल करेंगे अप्रोक्सीमेटली शायद 100 के करीब आना चाहिए प्लस माइनस तीन चार नंबर इधर उधर. सो दिस इज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन पाई चार्ट लुक्स लाइक. मैन पावर एलोकेशन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का वो इस तरह से डिवाइडेड होता है. एनी क्वेश्चंस सो फार? वी विल टेक क्वेश्चन आंसर्स लॉट ऑफ देम वंस आई एम डन एंड बट अभी 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 कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है? Foreign Exchange Department is minuscule part of finance. The companies which are into exports, trading to international markets, वहाँ पर Foreign Exchange का एक बंदा होगा बस, दो तीन भी नहीं होंगे. If it is a bank and it is a multinational bank, forex people would be many. Maybe वो service industry में आ गया और वहाँ पर 20% लोग forex के knowledge वाले लोग होते हैं. But in the manufacturing industry, and if it is not into exports, एक भी बंदा नहीं होगा. If it is into exports, एक या दो लोग होंगे वहाँ पर जो इस function में काम करेंगे. Better. Sir, good afternoon, sir. Japan sir. And my question is that this setup or scope is limited to India only, or foreign companies are also following? Service industry. Manufacturing industry in Brazil, in Australia, in Moon, this proportion would be there. Okay. Sometimes a call can be taken that, my company is into manufacturing of such a product, I will sell my products online only. So, 75% manpower might not be there, but there would be 75% IT people sitting behind computers doing sales. So function remains the same. Sales ke 75 log usme 100 logon ki organization mein hoge, lekin wo computer se sales kar rahe honge, wo IT sales. Ye organization mix employees ka hoga wahan. All right. Logistics के बारे में बात करते हैं. यहाँ पर logistics and supply chain किसी ने नहीं बोला. मैंने पूछा भी नहीं. Anybody who is interested in making his or her career in logistics and supply chain? You? Okay. What makes you think that you would be doing good in logistics and supply chain? Sir. Because the kind of work which is required in supply chain and logistics, you know, putting your all mind, procurement, bringing the material on the right time, and especially if we are dealing with some foreign nation, then we have to be according to their time also. So the kind of work required, is we have to put our total mind into that. So that drives me, not just. Okay. Sit down. I'm glad that you are thinking on a direction which is the future. Amazon, Flipkart, it's all logistics and supply chain ka khel. Kuch nahi kar rahe ho. Sirf logistics and supply chain manage kar rahe. Aur itne bade. Abhi kuch din pehle news mein aaya tha. Amazon guy is just 5 times richer than Mukesh Ambani. Kya kar rahe ho? Supply chain hi kar rahe. So Emma, यहाँ पर नोट करिए आपकी डायरेक्शन, आपका दिमाग किस दिशा में जाना चाहिए. मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ये जो प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉइज है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कांस्टेंट सिंस लास्ट 30 इयर्स. सेल्स के लोग 75 होंगे, फाइनेंस के 10 होंगे, एचआर में एक या दो बंदे होंगे. पिछले आजादी के बाद से यही चला रहा है. Supply chain and logistic is the only department which is growing multifolds year after year. Jis company ne pichle 5 saalon mein supply chain and logistics mein achha kaam kiya hai, focus kiya hai, kuch alag socha hai, wohi companies grow kar rahi hain India mein pichle 5 saal. और अगले 10 साल में भी जब आप लोग
एंटर होंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी अपनी जॉब्स अपनी अपनी नौकरियों के साथ, तब सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो आपको सबसे बेहतर सैलरी दिलाएगा। बाकी के ऊपर वालों की सैलरी जो आज है परहैप्स प्लस माइनस 5% उतनी ही रहने वाली है अगले 5 या 10 साल में, बट सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, ऑल दीज एप बेस्ड कंपनी, व्हाट इज ओला, व्हाट इज उबर, लॉजिस्टिक्स कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ लॉजिस्टिक कर रहे। आपने ऐप में डाला मुझे नोएडा से मुझे गुड़गांव जाना है, कंफर्म किया, 2 मिनट के बाद ड्राइवर का फोन आया, जी मैं नीचे खड़ा हूं आप आ जाइए, आप गए गाड़ी में बैठे और गुड़गांव पहुंच गए 1 घंटे। लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, आज से 10 साल पहले आपको ट्रेन में रिजर्वेशन कराने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, आपके बड़े भाई आपके पेरेंट्स आप लोग तो नहीं गए होंगे शायद रिजर्वेशन कराने गए हैं, वेरी गुड, कितना मुश्किल काम था, आप जर्नी कर रहे हैं ओवरनाइट शताब्दी से कहीं जा रहे हैं 8 घंटे के लिए, उससे ज्यादा पेनफुल था रिजर्वेशन का, जो घर में सबसे फालतू आदमी होता था जा रहा टिकट कराना, सबसे फालतू आदमी मैं था, मैंने अपनी आधी जवानी वो रेलवे के रिजर्वेशन की लाइन में काटी, वो डायरेक्ट बाहर पोस्टेड थे और हर सैटरडे संडे आते थे, मंडे जाते थे तो उनके सारे टिकट वहीं कराता था, मेरा पॉकेट मनी भी उसी पे चलता था। बहरहाल सो आज का रिजर्वेशन आप देखिए, आप में से बहुत सारे लोग अपने मोबाइल से बैठ कर घर जाने का टिकट कर लेते हैं, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, दिस इज द इन थिंग। बहरहाल आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक ऑन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स बिकॉज आप में से बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर हाथ उठाया, तो मैंने सोचा शायद आपको इस डायरेक्शन में दिशा दिखाना मेरा काम है, मैंने बताया इसके बारे में, इंफॉर्मेशन सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, उन लोगों से मिलिए जो सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपको बहुत अच्छी डायरेक्शन मिलेगी और अपनी पढ़ाई को उस दिशा में चैनलाइज कीजिए जिसमें आप इस फील्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। HR, फाइन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, CSR, हमने बहुत पैसा कमाया, 1% ऑफ आवर मनी वी विल गिव टू हॉस्पिटल्स एंड चैरिटीज, एक होता है एक डिपार्टमेंट वो ऑप्टिकल इल्यूजन ज़्यादा है, आई वॉश ज़्यादा है, कोई कंपनी दिल से नहीं चाहती कि हम गरीबों की सेवा करें, सबको अपनी पॉकेट्स भरने की वो है, हार्ड फैक्ट है। सेल्स, एडवर्टाइजिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, ये सारे आपके कोर्स करिकुलम में ये सब्जेक्ट्स होंगे, इसलिए मैं इनके बारे में भी ज़्यादा नहीं चाहूँगा। नाउ HR में कितने लोगों ने हाथ उठाया था, आपने उठाया था, आपने, आप बताइए आपको HR लाइन अगर चुनी है आपने या चुनना चाहती हैं वो क्या चीजें हैं आपके अंदर जो आपकी पर्सनालिटी में होनी चाहिए जो आपको इस जॉब में खुश रखेगी। सो फर्स्ट थिंग एम्प्लॉयज आर इंटरेक्शन टू मेक देम डू द वर्क एंड उनकी एम्प्लॉय एक्विजिशन इज द फर्स्ट थिंग एंड देन टैलेंट मेंटेनेंस। सो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ HR कि मैं अपने एम्प्लॉयज को हेल्प कर सकूं। उसके लिए आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप किसी से बात नहीं करना चाहती, आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं और आपने HR चुन लिया, आपके सामने बैठे हुए लोग वेट करेंगे कि ये कुछ बोले तो हम कुछ बोले, सो क्या आपकी पर्सनालिटी में क्या चीजें क्या खूबियां होनी चाहिए आपके अंदर होगी कि आपको इस जॉब में खुश रख सको। इंटरेक्शन इज गुड, यस, I can understand them better. I can help them the way they want. Problem solving. Okay, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इंटरेक्शन की चाहत होनी चाहिए, आप नए नए लोगों से उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में सुने ये चाहिए। दूसरा आपने बताया आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें, एम्पैथाइज कर सकें उनके साथ, इतना ज़रूरी नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ एम्पैथाइज कीजिए, एम्प्लॉय के साथ तो बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो वो आपके सर पे बैठ जाएगा, कहेगा कि मेरी तो सैलरी 20% बढ़नी है मैडम,
नहीं तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा. सो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी होती है उसमें. एंड बहुत सारी ग्रुप को आपको एड्रेस करना होगा, ट्रेनिंग्स देनी होगी. नए ज्वाइनी आते हैं, आर्ट मैनेजमेंट ट्रेनी आए, आपकी ड्यूटी होगी उनको इसी तरह के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के बारे में बताएं. सो आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए और गुड, ये अगर आपके अंदर है तो आप डेफिनेटली एचआर में अपना करियर परसू कर सकती हैं. थैंक यू. एचआर के लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है एम्प्लॉय के सेंटीमेंट्स के प्रति भी. कुछ लोग जॉब इसलिए छोड़ देते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता. वुमेन एम्प्लॉयज आर वेरी कंसर्न्ड इन मेनी ऑफ द कंपनीज जहां पर ऐसा फील होता है लोगों को, लोग नहीं ज्वाइन करते. बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसमें वुमेन अप्लाई नेवर ज्वाइन. देयर आर सर्टेन एरियाज इन एचआर पर्सन जहां पर आपको रूथलेस होना पड़ता है अपने एम्प्लॉय के लिए. बिकॉज आज के एम्प्लॉय की, हमारे 20 साल पहले के एम्प्लॉय की नहीं, आज के एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा है. मैं एचआर का आदमी नहीं हूं लेकिन मेरे पास टीम है, 100 लोग मेरे साथ काम करते हैं. हर आदमी की अपनी अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशन है और बड़ी पिक्यूलियर एंड यूनिक टाइप की एक्सपेक्टेशन. मुझे वेंसडे को 3 घंटे के लिए डेट पे जाना है. अरे आप ऑफिस में बैठे हैं, आप सैटरडे संडे को जाइए डेट में. नहीं, ही इज कमिंग फ्रॉम बैंगलोर, आई हैव टू मीट हिम. अगर मैंने नो बोल दिया तो शी विल रिजाइन देयर एंड देन. इस तरह के एक्सपेक्टेशंस डेवलप होते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट स्मार्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशन एंड रेसिप्रोकेट इन सच अ वे दैट द एम्प्लॉय ही और शी इज नॉट हर्ट. वो आपको चाहे जितना बुरा भला कह ले, मेरा बॉस तो बहुत खड़ूस है, छुट्टी नहीं देता, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए. ये एचआर के बंदे या बंदी के अंदर को भी होनी चाहिए. आप बुरे बन जाइए लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन बुरा नहीं होना चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स विच एन एचआर पर्सन शुड हैव इन माइंड. ऑपरेशंस में बहुत सारे लोग यहाँ पर इंजीनियर्स हैं, उन्होंने ऑपरेशंस में हाथ उठाइए जरा, मैं एक दो लोगों से बात करना चाहता हूँ. अरे उसने के नाम पे एक ही आदमी बचाओ, आप बताइए. ऑपरेशंस या मैन्युफैक्चरिंग जॉब से आप क्या समझती हैं, आपको क्या करना होगा अपनी जॉब में फर्स्ट ईयर में? So basically, I have to be in the team for doing basically manufacturing work, helping in them how to manage that resources and how to get productive things out of that. मशीनों का शोर आपको पसंद है? पसंद है. हॉल 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 आवाज आ रही है, पीछे वो चल रहा है. You're comfortable with that? Okay. आपका workplace आपके घर से 50 किलोमीटर दूर है किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जहां पानी भी नहीं मिलता पीने को, आपको पसंद है? नहीं पसंद. सो इन सारी चीजों के लिए आप तैयार कर लीजिए अपने आप को. बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यूजुअली, मारुति उद्योग लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिस जो साइबर हब में है, और बाकी की सारी फैक्ट्रियां जो मैंने अपने करियर में देखी है वो सब ऐसी ऐसी लोकेशन पे होती है जहां यूजुअली कोई जाना पसंद नहीं करता. एंड आप मैन्युफैक्चरिंग पसंद करने वाले लोग जो हैं यहाँ पर, उनको अपने आप को अभी से बहुत मेंटली एंड फिजिकली मजबूत बनाना होगा. बिकॉज बहुत टफ लाइन है, मशीनों के बीच दिन रात रहना होता है, लेबर टाइप के लोगों के साथ आपको डील करना पड़ता है. वहाँ आपको बहुत स्वीट टाइप के लेबर्स नहीं मिलेंगे. तो आप एक इंजीनियर हैं, आपके पास नॉलेज है और आप उन लोगों से डील कर रही हैं जिनको मशीनों में हाथ डाल के काम करना है. सो आपके अंदर वो एक्यूमेंट होना चाहिए. उस दिशा में अपने आप को डेवलप कीजिए, अपनी सोच को बढ़ाइए. बहुत सारी आजकल कंपनियां ऐसी भी हो गई हैं जो जिनके कैंपसेस होते हैं, एंड लाइक इफको,
उनके जो इंजीनियर्स हैं उनकी टाउनशिप में रहते हैं, ब्यूटीफुल बंगलोस, लॉन एंड ये वो, पीपल का पेड़, आम का पेड़, वो सब लगे रहते हैं जो यहाँ नहीं मिलता है। सो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपने इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं और अपने अपने टाउनशिप में उनको जगह देती हैं सीनियर इंजीनियर्स को। एंड इंफॉर्मेशन सर्च कीजिए, विच विच फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग यू थिंक यू आर गोइंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लोगों की लाइफ थोड़ा ईजी हो ज़्यादा होती है, कंप्यूटर इज द मशीन विच दे हैव टू हैंडल, एंड बट फिर भी ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। आपकी लोकेशन शायद एक रिमोट लोकेशन हो। एनी वे गुड, और कोई साहब मैन्युफैक्चरिंग में आप बताइए कुछ लाइन, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, which type of manufacturing unit it was? It was making preforms from Coca-Cola. Which was making? Preforms from Coke. Preforms for Coca-Cola. Yeah. Okay, all right. What are these preforms? They are like test tube like things and you blow them in the water. Okay, you love that job. I did, yeah. Lot of free Coke? वो criteria नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दो तीन बोतल से ज़्यादा फिर you will. Okay, so what type of job it was? It was sitting in a table and... No, I was going to the machine production department, the logistics department. My dad worked there, so I was training working. Oh, this was 1 year of job which you have done. Okay, and after that you decided to pursue MBA and get into it more seriously. Yeah. Alright, good to hear that. Sit down please. इस चले जाइएगा, जो एक्सपीरियंस आपने गैदर किया है उसको एक सेकंड के लिए भी वैनिश मत होने दीजिएगा अपने माइंड और अपने पर्सनालिटी से। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके फ्यूचर में। यू आल्सो बी रेडी टू वर्क इन रिमोट लोकेशन। वेयर वाज दिस, व्हिच लोकेशन? वडोदरा। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिटी, एंड देयर वाज अ बस व्हिच यूज्ड टू पिक फ्रॉम टाउनशिप with your dad used to drop. Yeah. That luxury will not be you have to drop your father to various places now after getting into the job. Good to hear that. So manufacturing ke logo ko, manufacturing mein bahut sare functions hote hain, jo core manufacturing function hota hai uske logo ko bahut strong hona padta hai, bahut ajeeb type ke environment mein kaam karna, especially in automobile industry, lubricant industry, matlab शाम को जब घर आते हैं तो उनकी बीवी नहीं पहचानती, हु आर यू, भूत बन के आते हैं वापस। सो दोस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट आर देयर, और हेल्थ हजार्ड भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप अभी से चैनलाइज कीजिए कि दोस आर द इंडस्ट्रीज आई वांट टू वर्क, एंड मैन्युफैक्चरिंग उसमें मुझे कंफर्टेबल है। जितना ज्यादा आप रिसर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, गेट सीरियस इनटू इट एंड यू विल गेट गुड break in your careers. finance के लोग आप, ये भी finance का भी एक ही बच्चा है, आप बताइए please. हाँ, तो आपको उठा था finance के लिए क्या चीजें आपके अंदर बहुत strong होनी चाहिए? Good with numbers, excellent. ये चीज इमीडिएटली नंबर शुड बी एट योर फिंगर टिप्स, कभी भी कुछ भी। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत बड़े बड़े डिसीजन आपको पावर पॉइंट में एक एक्सेल शीट मिलेगी, नंबर्स होंगे और एक मिनट में आपको कैच करना पड़ेगा यहाँ पर ये प्रॉब्लम, दिस इज नॉट राइट। ऐसा नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई का ही प्रॉब्लम होता है, ट्रेंड्स, ये प्लस में जा रहे हैं नंबर्स, ये माइनस में जा रहे हैं, दिस इज स्टैग्नेटेड सिंस लास्ट सो मेनी मंथ्स और ईयर्स। सो वो सारी एनालिटिकल, very sharp analytical mind you need to have. आपका कॉमर्स बैकग्राउंड था? कॉमर्स प्लस मैथ्स। एक्सेलेंट, यू आर देयर। और क्या चीज चाहिए होती है फाइनेंस के लोगों को?
What is the dollar rate today? Wow. Foreign exchange. 69 point something. ठीक है. Rose Economic Times पढ़िए and आपका foundation मजबूत हो जाएगा interviews के दौरान. Good. Peace it out. शार्प एनालिटिकल माइंड, नंबर्स को यूं कैच करने की क्षमता, कैपेबिलिटी. पर्स में हाथ डाला, पता लग जाना चाहिए आज तो 627 रुपए है मेरे पास. दैट टाइप ऑफ नंबर्स आपके दिमाग में होने चाहिए, उस तरह की काबिलियत होनी चाहिए. जो लोग मैथ से घबराते हैं, नंबर से घबराते हैं, फाइनेंस में कृपया नहीं जाए. आप 6 महीने में नौकरी लूज कर देंगे, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट इज सच अ डिपार्टमेंट जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन टिकी हुई होती है. दोस पीपल हैज टू बी सो साउंड. वन फाइनेंशियल डिसीजन व्हिच गोज रॉन्ग, 75-10 ऑल द पीपल वुड बी इन ट्रबल. तो अगर फाइनेंस में 5 लोग ही चाहिए होते हैं किसी कंपनी को, तो वो 10 रख लेते हैं. गलती नहीं होनी चाहिए. डबल चेक, ट्रिपल चेक, 4 times चेक, सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो नहीं तो सैलरीज टाइम पे नहीं आएंगी लोगों की, वेंडर के पेमेंट्स टाइम पे नहीं होंगे. फाइनेंस गाय हैज टू बी वेरी 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 एक्यूरेट. और अगर आप जिंदगी में आज एक्यूरेट नहीं है, तो फाइनेंस में आप नहीं जा सकते. रूम की चाबी लॉक करके कहां रखी थी सोच रहा हूं. नो, प्लीज डोंट गो टू फाइनेंस. सब पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां रखी हुई है. मेरा टूथब्रश यहां है, मेरी रेड वाली शर्ट वहां है, सब पता होना चाहिए. उस तरह के लोग फाइनेंस में जाने चाहिए, नहीं तो यू वुड बी लॉस्ट. जो खुद ऑर्गेनाइज नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ में, वो ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस को कैसे ऑर्गेनाइज करेगा. सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अपने आप से पूछिए, आंसर अपने आप मिल जाएगा. सो दिस इज इट. मोटा मोटा हमने ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस और वहां किस तरह के लोग रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में बात करी. अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं. ओके, बैठे. पहले तो आप ये बताइए, आप ही बताइए, सेल्स और मार्केटिंग में क्या फर्क है. ये बिलियन डॉलर क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग नहीं जानते. व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग, आप बताइए. सर, मार्केटिंग स्टार्ट्स इवन बिफोर द सेल्स. व्हेन द आइडिया कम्स, दे स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट द डिमांड ऑफ द कस्टमर की, वो पहले ही देख लेते हैं कि मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केटिंग डिसाइड होती है. और उसके अकॉर्डिंग ही मतलब प्रोडक्ट बनने से पहले जो प्रोसेस स्टार्ट है उसे मार्केटिंग कहते हैं, और जो प्रोडक्ट सेल होने के बाद भी चलता है उसे वो मार्केटिंग है. आप 12th में फर्स्ट आए थे क्लास में. वेरी गुड, आपकी सोच बिल्कुल सही थी. कुछ आंसर बहुत ज्यादा सही नहीं था, लेकिन जो डायरेक्शन थी उस आंसर की बहुत अच्छी थी. मार्केटिंग इज अ सपोर्ट फंक्शन टू सेल्स, टू हेल्प अ सेल्समैन सेल. अगर आप यहां से बाहर निकले इंस्टीट्यूट से, आपको प्यास लगी है और आपको एक पेप्सी का ठेला मिल गया और आपने पेप्सी खरीदी और पी ली, सो वो जो सेल्स हुई उसके पीछे बहुत सारी मार्केटिंग इन्वॉल्व है. कि आपके माइंड में वो चीज है, यार यार कहीं कोक मिल जाए पीने को तो मजा आ जाए, तो आपके दिमाग में जो ख्याल आ रहा है वो मार्केटिंग ने घुसेड़ा है आपके दिमाग के अंदर, कि मुझे पेप्सी चाहिए, मुझे नींबूज चाहिए, मुझे इस वक्त ऐसा कुछ माजा पीना है. तो जो ब्रांड नेम्स आपके दिमाग में फ्लैश कर रहे हैं जब आपको प्यास लगी है, वो मार्केटिंग का काम है. और जैसे ही आपके दिमाग में ख्याल आया कि मुझे माजा पीना है, और आपको आपकी नजरों के सामने कहीं माजा दिख गया, वो सेल्स का काम. माजा नहीं मिला और आपको किसी और चीज से काम चलाना पड़ा, यानी माजा की सेल्स टीम अपना काम ठीक से नहीं कर रही. सेल्स इज डिस्ट्रीब्यूशन. आपको ये चीज चाहिए,
आप उसको पैसे जेब में डाल करके निकले उसको खरीदने और वो अवेलेबल नियरेस्ट शॉप पे, दैट इज सेल्स. और वो नहीं है सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ब्रांड खत्म हो जाएगा. फिएट पालियो वाज अ ब्यूटीफुल कार, वन ऑफ द फाइनेस्ट कार एवर मेड इन इंडिया. फिएट पालियो खत्म हो गई. डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट देयर, सेल्स वाज नॉट देयर. मारुति 800 ऑल्टो सक्सेसफुल, हर जगह उसके सर्विस सेंटर्स हैं, हर मैकेनिक को उसका काम आता है. सेल्स, सेल्स टीम ने उसका इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार किया कि जब भी किसी मारुति 800 में जाने वाले को छोटी सी भी प्रॉब्लम महसूस हुई, उसको उसका मिस्त्री मिल गया, मैकेनिक मिल गया और कार ठीक हो गई. कंज्यूमर इज हैप्पी विद मारुति. उसने अपनी बुआ जी को बताया, अपनी चाची जी को बताया, उन्होंने भी मारुति ले ली. सेल बढ़ रही बिकॉज अ सेटिस्फाइड कस्टमर. जबकि माजा आपको नहीं मिला, दूसरी बार भी नहीं मिला, आप तीसरी बार किसी और ब्रांड पे स्विच ओवर हो जाएंगे. बहुत सिंपल सी बात है. आज की डेट में कोई, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, कोई ब्रांड इतना मजबूत नहीं हुआ जिसके लिए आप अपनी जान दे रहे हैं. मैं तो यही लूंगी, नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी. नहीं, ऐसा नहीं होता आजकल के टाइम में. मैं किसी और चीज से काम ला लूंगी. तो अगर सेल्स के लोग काम बढ़िया कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल मिलेगा, आप उसे कंज्यूम करेंगे और दोबारा फिर एक अच्छी मेमोरीज के साथ उसको वापस इस्तेमाल करेंगे. सो द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग इज, मार्केटिंग हेल्प्स टू सेल. मार्केटिंग इज अ डोमेन वेयर यू हिट कंज्यूमर्स माइंड, while sale is there where money transaction happens, a consumer goes and buys the material. यहाँ मैं तीन technical terminology आपको बताऊंगा जो आपके next time आपके दिमाग में रहनी चाहिए whenever you buy a product. One is primary sales. What is primary sales? Anybody? Yes, okay. Primary sales is a sales which happens from company to distributor. Company direct to nahi bechti, वैसे online companies bechti hai direct. Lekin for example, Pepsi. Pepsi ki factory se invoice katti hai 1,00,000 bottle Pepsi. Aur wo distributor ko bill hoti hai. 6,00,000 rupaye. डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसे कंपनी को दिए 6,00,000 रुपए और वो माल रिसीव किया, करेक्ट, 1,00,000 बोतल. दैट इज प्राइमरी सेल्स, कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर. देन हैपेंस सेकेंडरी सेल्स. एग्जैक्टली, डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर और होलसेलर. डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है कालका जी में और उसके पास साउथ दिल्ली की मार्केट है. उसकी 5 गाड़ियां अलग अलग डायरेक्शंस में निकलेंगी, एक में 5,000 बोतल पेप्सी होगी, एक में 6,000 बोतल पेप्सी होगी. वो एक एक क्रेट हर दुकान पे बेचता हुआ उतारता हुआ चला जाएगा और पैसे लेगा. और शाम को उसका टारगेट था 20,000 बोतल. वो 20,000 बोतल पूरी साउथ दिल्ली, कालका जी, अलकनंदा, गोविंदपुरी बीट में जितनी दुकानें हैं पान की, रेस्टोरेंट, ये वो सब जगह बेच करके शाम को पैसे को गिन करके डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा. दिस इज सेकेंडरी सेल्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर. डिस्ट्रीब्यूटर को स्टॉकिस्ट भी कहते हैं. टू रिटेलर, इसको होलसेलर भी कहते हैं. रिटेलर तक जो माल उतरा या बिका उसे सेकेंडरी सेल्स कहते हैं. रिटेलर से आपने खरीदा उसे क्या कहते हैं? MBA में हम लोग नो नॉट टर्शरी, वो तो कॉमन सेंस बता रहा है. टर्शरी होगी फिर फोर्थरी होगी फिर फिफ्थरी, तो उसे कहते हैं ऑफ टेक. कंज्यूमर रिटेलर की दुकान से आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, साबुन है, पेप्सी है, ऑयल है, व्हाटएवर,
डोमिनोज पिज्जा है वो ऑफ टेक हो गया, उसको ऑफ टेक हो गया. सो रिटेलर टू एंड कस्टमर, यहां भी एक कैच होता है. मार्केटिंग इटसेल्फ इज अ वाइड सब्जेक्ट, सात दिन में लगातार बोलता रहूं तो भी खत्म नहीं होगा. एंड कस्टमर, मैंने अपने नौकर को बोला जा भाई लक्स का साबुन ले आ, तो वो कस्टमर वो है या मैं हूं? वो कस्टमर है, मैं कंज्यूमर. मैंने नहाया उस साबुन से तो मैं कंज्यूमर. वो तो बंदा मेरे पैसे लेके गया और वो खरीद के लाया, वहां वो जाकर के कह रहा साहब गुलाबी वाला लक्स नहीं मिला, हरे वाला मिल गया, मैं तो ले आया. ही वॉज द डिसीजन मेकर. मैं गुलाबी साबुन से नहाना चाहता हूँ लेकिन वो हरा ले आया. बिकॉज अगर वो कह दे कि साहब नहीं था तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑडिट करने तो जाऊंगा नहीं उस रिटेलर के, भाई तेरे पास था कि नहीं 11:30 बजे बुधवार को. नॉट पॉसिबल. सो ही वॉज द कस्टमर एंड आई एम द कंज्यूमर. तो इसमें इसके बीच में अभी 100 steps और इन्वॉल्व है लेकिन हम अभी नहीं कवर कर सकते. इट्स अ वेरी वाइड बिकॉज अभी तो 75 लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे टीवी एड्स आ रहे हैं, इतने होर्डिंग्स हैं, आपको SMS आते हैं हमारे से लोन ले लो, वो भी एक तरह की मार्केटिंग. सो आपके सवाल पे वापस आता हूं मैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या चीजें होनी चाहिए. हाजिर जवाबी, उसको कहते हो ना अरे यार तुम तो आज नहागे नहीं आए, तो शर्मा आ जाता है. अरे आपको हाजिर जवाब होना चाहिए, फौरन ऐसा मुंह तोड़ जवाब दो ना उसे कि उसकी अगले बार वो पूछे ही ना आपसे इस तरह के पूछे. तो आपके अंदर वो काबिलियत है वापस पलट के जवाब देने की, प्रेजेंस ऑफ माइंड. ये नहीं गाली वाली गली नहीं, ऐसा जवाब. शेर कहा नहाता है रोज रोज, रोज दो तीन दिन में एक बार नहाता है. इट्स अ ह्यूमनस रिप्लाई बट इन सेल्स यू रिक्वायर, यू डिडंट बात टुडे. सो ऐसा जवाब होना चाहिए आपका कि आप सामने वाले का दिल जीते, उसको हर्ट नहीं करें, उसका दिल जीते. वो काबिलियत 10 में से 5 लोगों में होती है. 2 लोग हर्ट हो जाएंगे, अरे यार तू तो मेरा बचपन का दोस्त है, तूने मुझे लड़की के सामने कह दिया तू आगे नहीं आया. आप मार्केटिंग में फंस जाइए, हर्ट होने वाले लोग. आपको पलट के जवाब देना चाहिए, हाजिर जवाब होना चाहिए, आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए. मेरे डैड मुझसे पूछते थे आ गए स्कूल से, हाँ जी आ गया. मैं सिनेमा देख के आ रहा हूँ. आंखों में आके डालके नहीं बात कर सकता. सो दोस आर द क्वालिटीज एंड नैक जो आपके अंदर इनबिल्ट होती है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप खुद डेवलप करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने टीचर्स से, अपने कजिन से, अपने पेरेंट्स से. आप बस में बैठे चले जा रहे हैं तो आपके आसपास जो 4-5 लोग बैठे हैं उनसे. मार्केटिंग का बंदा हर वक्त कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते रहना चाहिए. आप कहाँ रहते हैं? चांदनी चौक से यहाँ कैसे आते हैं? मेट्रो से आते हैं. आपने क्या ऑब्जर्व किया है मेट्रो में? ये वही एक रोज का दिन था जो आप रोज जीते हैं, आप कुछ नया होंगे. कुछ नया होना चाहिए मार्केटिंग के आदमी, मार्केटिंग जो लोग करना चाहते हैं या सेल्स में जो लोग आना, हर दिन कुछ नया दिन होता है. आंटी लड़ रही थी, आप सुन रहे थे. क्या सब्जेक्ट क्या था? अरे फिर ये देखो आधी बात छोड़ दिया आपने. आपको पता होना चाहिए था कि कौन किसके हस्बैंड की बुराई कर रहा है. अच्छा गृह मंत्रालय, अरे कहाँ ऐसी जगहों पर प्रॉब्लम में पड़ जाओगे. एनीवे सिट डाउन. So, a marketing and sales person, people who want to build up their career in sales and marketing have to be keen observers. हमेशा कुछ ना कुछ observe करते रहना चाहिए and take लेते रहना चाहिए उससे life situations. और जो observation आप कर रहे हैं वो आपको आपकी sales call में काम आएंगे. Even as a son, as a brother, as a friend, you sell yourself every 5 minutes. 5 दोस्त कहीं जा रहे हैं यार चलो पिक्चर देखने चलते हैं, बियर पीते हैं. मतलब बियर पीने वाला जो है ना वो कन्विंसिंग होना चाहिए. अगर उसने कन्विंस कर दिया बियर का प्रोग्राम बन गया, यू शुड गो इन मार्केटिंग.
या पिक्चर देखने चला गया तो यू लॉस्ट, फाइनेंस प्रोसेस में चले जाओ. सो यू शुड बी कन्विंसिंग अमंग्स अ ग्रुप ऑफ पीपल. जीडी क्यों होते हैं, ग्रुप डिस्कशन क्यों होते हैं? मुझे नहीं लगता एचआर या फाइनेंस की कंपनियां जीडी वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं. जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग पिक करने आते हैं, स्टूडेंट्स या रिसोर्सेस लेने आते हैं, जीडी में वो यही देखते हैं ग्रुप डिस्कशन में कि आप 10 लोगों के ग्रुप में कितना अच्छा बोलते हैं, कितना कन्विंसिंग साउंड करते हैं और लोगों को बोलने में आपका कमांड कितना है सब्जेक्ट के ऊपर. वो कैसे आता है? ऑब्जर्वेशन से आता है. होम मिनिस्ट्री की दो औरतें अपने पति की बुराई कर रही थी कि मेरा शौहर कल रात 11 बजे आया और उसने पी भी रखी थी. ये ऑब्जर्वेशन होता है, कंप्लीट स्टोरी. सो वंस आप अपने किसी दोस्त को बताएंगे यार दो औरतें लड़ी थी, मैं तो मूड खराब हो गया, चटपटे तरीके से बताएंगे. सो ये सारी चीजें हैं जो सेल्स एंड मार्केटिंग में ह्यूमर भी बहुत बहुत जरूरी है. आप किसी को कुछ बेचने गए, उसके पास 10 लोग और आते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचने के लिए और आपके चेहरे को देख के वो खुश हुआ, उसे राहत मिली अंदर से, उसको सुकून आया, उसको नहीं भी चाहिए होगा वो प्रोडक्ट तो वो कहता चल भाई डाल दे यार 1000 रुपए का, आपका काम हो गया. यू शुड बी हैविंग अ प्लीजेंट पर्सन. You said yourself to your girlfriend, na? That's a yes. Day in, day out. Anyway, yes, please. Sir, companies are moving towards technology. Then why only 2% in IT sector? Because technology is such a thing which is not vast in human resource. The type of people working. One technical person can give solution. The easy solution to 100 people. Getting my point. Suppose there is a. I used to work for Gillette. I used to have a receipt book in my hand. Gillette ke products hote the, Gillette Presto and wo pencil chhilne wala 7 o'clock wala blade, shaving foam, shaving cream, shaving brush. Ye sab duniya bhar ke item leke rehte the. Shaving cream 5 tarah ki hoti thi, 50 gram, 25 gram, 100 gram, 10 gram. I used to get irritated. Wo order de raha tha to 5 shaving cream aise de do, 3 brush wo de do. I am a sales person. I am struggling. I was in Mumbai and mere jaise 500 log aur the jo Bangalore, Orissa, Vijayawada har jagah struggle kar rahe the. One technical person came into our company called Ranu Kawatra. I remember his name. Usne us process ko automate kar diya. Palm taps aane lage the. Us waqt Gillette was a rich company. They imported palm top. Mein input dena padta hai na aapko ki aapko wo software you just type SF shaving foam. SF type kiya, khad se aa gaya 5 usme. Photo aa gaya uske. आपको नंबर भी 500 ग्राम चाहिए, 200 ग्राम चाहिए, 300 ग्राम चाहिए, वो क्लिक भी उसका फोटो आ जाता था. यूज टू क्लिक ये वाला फोटो, इसने 25 ब्रशेस को ऑर्डर दिया. सो वन टेक्निकल पर्सन हैड मेड लाइफ इजी ऑफ 5000. बट दिस प्रोसेस डजंट इंटरप्ट द स्पीड ऑफ द वर्क. नो, बिकॉज़ दिस होल प्रोसेस वाज आउटसोर्स्ड टू अ टेक्निकल कंपनी. हम वो डिपार्टमेंट खुद भी बना सकते थे लेकिन नहीं, दैट वाज अ कॉस्ट इन्वॉल्व. सो हमने वो पूरा प्रोसेस एक सर्विस इंडस्ट्री को, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम शेविंग फोम शेविंग क्रीम बनाते हैं लेकिन हमने वो सर्विस इंडस्ट्री को आउटसोर्स कर दिया वो पूरा प्रोसेस. सो हमारे यहाँ एक टेक्निकल कोऑर्डिनेटर था रानू कुवात्रा जो उस सर्विस इंडस्ट्री के 50 लोगों को ब्रीफ करता था. Yes. So, हमको पूरा डिपार्टमेंट अपने आप में डेवलप करने का जरूरत नहीं है, इतने सारे लोगों को हायर करने का जरूरत नहीं है. We buy services from one IT company. Simple. Any other question? This
graph of yours also means that we should not go for HR or finance? No, don't jump into any conclusion today. Take your time. Whatever I have told you, think over it. Analyze. Where do you belong? आप किस फंक्शन में आप सोचते हैं आपको जाना चाहिए? एचआर में जाना चाहिए. ओके, तो एचआर में हमने बात करी यहाँ पर अभी क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए. सो आपके दो फ्रेंड्स यहाँ पर खड़े कीजिए. अरे अभी तक दोस्त नहीं बनाया आपने, एक महीना हो गया. दो चूज करना मुश्किल. कोई दो मैं लाइव एग्जांपल दूंगा आपको. एक आपके दोस्त ये हैं, एक आपके दोस्त ये हैं. इनका नाम क्या है? भानु प्रताप. इनकी यही नाम है ना? आधार कार्ड चेक करने का जरूरत. इनकी दो स्ट्रेंथ एरियाज बताइए. He is very outspoken. ये इनका स्ट्रेंथ एरिया है. ओके, because where people don't speak, he tends to speak. Okay. And second is, he don't shy. ये दोनों एक उसका रिवर्स बोल दिया आपने. आउटस्पोकन है इसका मतलब शाय नहीं हो. दूसरा इनका स्ट्रेंथ एरिया क्या है? He don't run away from it. Responsibility. एक महीने में आपने ये भी. I was working with him. Okay, ये इनका स्ट्रेंथ एरिया है. ये आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है? आपको अपने एम्प्लॉय को स्कैन करना होता है. ये बंदा जो है ये सेल्स एंड मार्केटिंग में फंक्शन में काम करता है, इसके अंदर ये प्लस पॉइंट्स हैं. उनका एक नेगेटिव पॉइंट बताइए. आपके दोस्त है ना, यू विल नॉट माइंड. अरे यू आर एचआर यार, यू हैव टू. यू डोंट इंटरेक्ट विद एवरीवन इन द क्लास. ओके, that's good for everybody. मतलब हर आदमी का एक comfort set of people होता है, उसी में वो interact करता है. That's what I observe about him. Good. आप तीनों लोग बैठ जाइए. देखिए यहाँ पर अगर आप HR में अपना career pursue करना चाहते हैं, तो आदमी के behavioral traits आपको identify करना, आपको observe करना बहुत जरूरी है. आप किसी employee की strength और weaknesses या कोर कॉम्पिटेंसीज को सही तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, यानी यू आर ऑन अ राइट पाथ, आप सही दिशा में जा रहे हैं. बट द थिंग इज कि अगर मेरे जैसे 10 लोग और हैं और कंपनी को सिर्फ दो ही चाहिए, तो वो मुझे. आप निश्चिंत रहिए, आप अपने आप में अकेले काफी हैं, कोई कंपटीशन नहीं है आपका. अगर आपके अंदर वो चीजें हैं जो आपने इस कोर्स के माध्यम से और यहाँ जो पढ़ाया गया है उसको सही तरीके से ग्रास्प किया है. देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं. एक होती है एकेडमिक्स, जो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देती है. सेकंड इज प्रैक्टिकल. आप फैक्ट्रीज विजिट करेंगे, आपको इंडस्ट्री के लोगों से इंटरेक्शन होगा. जिसने इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से क्या कहते हैं बैलेंस कर लिया. कुछ लोग होते हैं एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रैक्टिकल में खत्म कहानी. कुछ लोग प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन 17x5 में टाइम लगता है कैलकुलेट करने के लिए. सो आई एम सॉरी यार, सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस. यू हैव टू स्ट्राइक दैट बैलेंस. लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस. आप अपने पर्सनल लाइफ में देखें, यू हैव टू बैलेंस वेरियस. देयर वुड बी सर्टेन थिंग्स इन योर personal environment which might not be liking it, but you have to somewhere adjust with that. The people who adjust struggle. The people who finds a good kick out of it, they flourish, they rise. Problem se happiness nikalna, problem ka solution to sab nikalna, problem ko opportunity mein kisne batlaya. तो आपका कोई कंपटीशन नहीं है, आप अपने आप में इक्विप्ड हैं, कैपेबल हैं. उस सिचुएशन की बात होती है. चलिए मैं आपको फाइनली विल टेक 5 मोर मिनट्स ऑफ योर्स. आई गिव यू माय एग्जांपल. आई वाज अ बैक बेंचर, सेकंड डिविजनल ऑल थ्रू आउट. बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे, बट जैसे तैसे नैया पार हो जाती थी हर क्लास में. देन कैंपस इंटरव्यूज हुए, आप लोग भी फेस करेंगे. बड़ी बड़ी कंपनियां आई,
मैं तो उस कंसीडरेशन में ही नहीं था अपने इंस्टीट्यूट के. आप में से भी बहुत सारे लोग मेरे जैसी ही कहानी रखते होंगे या फील करेंगे आगे. सो टॉप 30 जो लोग थे, हमारा 60 लोगों का बैच था, 30 लोगों को कैंपस इंटरव्यू के काबिल समझा जाता था कि इनको ही आगे करेंगे, ये इंस्टीट्यूट की नाक नहीं कटाएंगे. तो कुछ कंपनियां आती थी, ये 30 लोग आगे किए चले जाते थे. एक कंपनी आई, दो कंपनी आई, चार कंपनी आई, विप्रो विप्रो भी आए थे. एंड मैं तो किसी में गया ही नहीं, मेरा नंबर ही नहीं आता था. सो बट आई वॉज अ स्ट्रीट स्मार्ट, मुझे हाजिर जवाबी आती थी. बट आई नेवर माइंड, मैंने अपने जॉब को, करियर को कभी उतना सीरियसली उस जमाने में नहीं लिया था. देन जिलेट आई. जिलेट वॉज अ वेरी बिग कंपनी, नाउ इट पार्ट ऑफ पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का पार्ट है. वेरी शार्प एफएमसीजी कंपनी. और जो ट्रेनिंग वो जिलेट देती है आपको, या कोक या पेप्सी देते हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलता. सो उन्होंने टॉप 10 लोगों को, नंबर 1 टू नंबर 10 रैंक के बंदों को इंटरव्यू किया. उन्हें सेल्स के लिए बंदे चाहिए थे, एंड दे रिजेक्टेड ऑल ऑफ देम. यार इसमें से हमारे मतलब का कोई बंदा मिला नहीं. फिर हमारे इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर थे, उसके प्रसाद जैसे ही एक वो थे, उन्होंने कहा अरे हमारे पास और लोग हैं, हम 10 और हाजिर करते हैं आपकी नज़रों में. उनको पिज्ज़ा विज़ा खिलाया गया, एंड फिर सेकेंड राउंड हुआ. वो लोग मॉर्निंग फ्लाइट से आए थे, इवनिंग फ्लाइट से जाना था, इतना ही टाइम था उनके पास. सो नेक्स्ट 10 और आगे किए गए, वो भी सारे रिजेक्ट हो गए. उन्होंने जीडी करवाते थे, जीडी में कुछ पसंद आता था तो एक दो लोगों को पर्सनल इंटरव्यू करते थे, इतना ही टाइम था उनके पास. तो वो नेक्स्ट लॉट ऑफ 10 भी रिजेक्ट हो गया. फिर लास्ट के 3 सब तैयार टाइम लगा के बाहर बैठ रहते थे वेटिंग में, हो सकता है हमारी लॉटरी लग जाए. खैर आखिरी के 10 और गए, और उसमें से एक सेलेक्ट हुआ एक्सटेम्पोर. मतलब कंपनियों को भी शर्म आती है यार, यहाँ तक आए हैं, पिज्जा का गया है, एक बंदर ले लेते हैं. सो एक लॉजिस्टिक फंक्शन के लिए उन्होंने बंदा ले लिया. बट दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड जिलेट पीपल. इट वॉज जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड एक एचआर की बंदी थी, ये दो लोग आए. फिर इंस्टीट्यूट पे उन्होंने बोला कि भाई हम इसको ले रहे हैं लॉजिस्टिक्स के लिए, सेल्स के लिए तो आपके यहाँ भी कुछ नज़र नहीं आया नहीं. फिर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने कहा कि सर एक लास्ट 5 बंदों को और भेजते हैं, आप उनको देख लीजिए. हम बुलाए गए कि भाई मैं आई वो सबसे शरारती नंबर ही जिसे कहते हैं ना, उस तरह का स्टूडेंट हुआ करता था. आप वहाँ से भी बहुत सारे लोग होंगे. तो हम पहुँच गए, हम तो टाइम लगा के नहीं आए थे उस दिन, प्लान था चिड़ियाघर जाने का. दोस्तों के साथ जाके चिड़ियाघर में पेड़ वेड़ के नीचे बैठ रहते थे हम लोग, और शाम को 5 बजे घर पहुंच जाते थे. पसीना पोंछते थे, पढ़ के आ गए. बुलाए, खोजे गए हम लोग. हम चाय के ढाबे पे नहीं मिलते थे, क्लास में नहीं मिलते थे कभी. तो वहां से बुलाया गया कि जलंधर आपको बुलाया है, विपुल टंडन, राजन वर्मा, 3-4 हमारा बैच था. हम गए वहां पर. सो एक जीडी हुआ, जीडी में 5 सेलेक्ट हो गए. बोले यार आप तो 5 ठीक ठाक हो. तो हमने हम 5 का इंटरव्यू करके दे पोस्टपोन देयर फ्लाइट. दे आर वेरी सीरियस कैंपस रिक्रूटर्स जिनेट. देन मेरा नंबर आया पर्सनल इंटरव्यू का. तो द फर्स्ट थिंग दे आस्क्ड, फर्स्ट क्वेश्चन, कि आपका एमबीए हो गया, रिजल्ट आने वाला है फाइनल सेमेस्टर का, आप किस तरह का प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे? मैं ये कैसा सवाल है, मैं उनको जहां नौकरी मिलेगी हम वही शुरू हो जाएंगे. कैसा सवाल है, मतलब मेरे से पूछना चाहिए कि आपके मार्क्स कितने आए ऑपरेशंस रिसर्च में, या न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछा. क्या प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे आप? तो मैंने कहा सर हवाई जहाज बेचो. ग्लास घूट पानी पिया उसने, हाजिर से बाकी कुछ नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था. मैंने कहा मैं हवाई जहाज बेचूंगा. बोले आपने बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम नहीं लिया, हिंदुस्तान लीवर और विप्रो, एंड आप एकदम से हवाई जहाज पे कैसे पहुंच गए? मैंने कहा आप कुछ कर तो रहे, पास हो जाए यही बहुत बड़ी बात है. यू आर जस्ट थिंकिंग, व्हाई नॉट थिंक बिग. मेरे दिमाग में सबसे बड़ा प्रोडक्ट हवाई जहाज आया. मैंने बोला उससे बड़ी चीज मैंने देखी नहीं थी जिंदगी में. तो ट्रक आया, लेकिन हवाई जहाज. He was so impressed. No second questions asked. I was hired. The
highest salary in my batch. क्या होना चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर कोई थ्योरी नहीं कोई एकेडमिक्स नहीं कोई कुछ नहीं जस्ट वन आंसर यू आर थिंक एंड उसके बाद जो उन्होंने रिक्रूटमेंट के बाद जो ट्रेनिंग दी है जो रगड़ा मारा है एक फोटो खड़ा है आपके सामने फिर फाइनली आई टेक योर लीव नाउ एंड टू थ्री क्वेश्चंस मोर आई कैन टेक इफ यू वांट अच्छा क्वेश्चन है आपका इनका ये कहना है कि एमबीए करने के बाद दुकान दुकान पे जाके प्रोडक्ट क्यों बेचने पड़ते हैं हमको एयर कंडीशन्ड ऑफिस मिलना चाहिए एयर कंडीशन्ड कैबिन मिलना चाहिए एंड वहां से बैठ करके हम हुकुम चलाएं कि जाओ तुम ये टारगेट पूरा करके आओ नहीं अगर आपको एक अच्छा मार्केटिंग पर्सनल बनना है अपना करियर मार्केटिंग में बनाना है और ऊपर तक जाना है पहले आप सेल्स ऑफिसर बनेंगे फिर आप सीनियर सेल्स ऑफिसर बनेंगे फिर आप एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव बनेंगे फिर एरिया सेल्स मैनेजर बनेंगे फिर ब्रांच मैनेजर बनेंगे फिर असिस्टेंट रीजनल मैनेजर बनेंगे फिर रीजनल मैनेजर बनेंगे फिर जनरल मैनेजर बनेंगे फिर दिस इज हाउ द हायरार्की वर्क्स अगर आपको अच्छा जनरल मैनेजर बनना है और कम समय में बनना है ये जो मैंने स्टेप्स बताए आपको ये पूरा करने में 15 साल लगते हैं ठीक है एफएमसीजी कंपनी सो अगर आप इसको 15 साल के स्पैन को 8 साल या 5 साल में करना चाहते हैं तो शुरू का एक साल आप जम के मेहनत कीजिए जो आपसे करवाया जाए आप करिए मुझे जिलेट में ऑटो से पेटियां निकाल करके ऐसे ले जा करके गोदाम में रखनी पड़ती थी क्या क्योंकि जिलेट ने कहा था मुझे करने को और वो मुझसे काम नहीं करवा रहे थे अपने अंदर एक फ्यूचर का रिसोर्स एक स्ट्रेटजिस्ट बना रहे थे अगर मैं सीधा किसी एयर कंडीशन्ड ऑफिस में पहुंच जाऊंगा तो आई विल नेवर बी एबल टू थिंक परसीव कि नीचे काम कैसे होता है गोदामों की हालत कैसी होती है बारिश में जब सीलन आ जाती है छत से पानी टपकता है तो हमारे ब्लेड्स एंड रेजर्स का लॉस कितना होता है वो सब मैंने देखा तो जब मैं उस लेवल पे पहुंचा सीनियर लेवल पे पहुंचा और आज जिस लेवल पे बैठा हूं मुझे पता है क्या होता है क्या हालात होते हैं मार्केट में सो इनिशियली फर्स्ट और टू इयर्स आपको जितना मार्केट में जाना पड़े जितनी गालियां खानी पड़े जितना बारिश में भीगना पड़े जितनी गर्मी में पसीना बहाना पड़े करिए अगर आपको शॉर्ट टर्म चीज चाहिए तो आप सीधा एक एयर कंडीशन ऑफिस से अपनी लाइफ शुरू कर सकते हैं और अगर आगे चल करके 50 साल तक अपना नाम कमाना है पैसे कमाने हैं इज्जत कमानी है शुरू के 2 साल धक्के खाने पड़े अदरवाइज यू विल बी नेवर एबल टू जस्टिस विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु वुड बी वर्किंग बिलो यू आज मुझे मालूम है मेरा कोयम्बतूर का सेल्स ऑफिसर किन तकलीफों में काम कर रहा है सो अगर मुझे कोई पॉलिसी बनानी है अपने सेल्स ऑफिसर्स के लिए तो मैं अपना 20 साल पुराना वो टाइम याद करूंगा देन मैं वो पॉलिसी बनाऊंगा हमारे गोडाउन्स होते थे हमारे सीएनएफ होते थे कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते थे वहां बाथरूम नहीं था यूज्ड टू गो टू समवेयर एंड रिलीव आवर सेल्फ सो मुझे वो दिक्कतें पता है सो आज कोयम्बटूर ऑफिस में मेरे सीएनएफ ने मुझे प्रपोजल भेजा कि साहब आपको 2000 स्क्वायर फीट की जगह दूंगा और यहाँ पर स्टॉक ही होगा वो होगा मैं पहला क्वेश्चन था टॉयलेट है कि नहीं क्योंकि मुझे पता है वो कैसे सीखा क्योंकि आई हैव अंडरगॉन दोस सिचुएशन सो फर्स्ट टू इयर्स स्ट्रगल देयर इज नो शॉर्टकट्स इन लाइफ सर सेल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है जैसे आपने बताया सब स्ट्रगल से इतना डर क्यों रहे हैं नहीं सर मैं नहीं कह रहा हूं मतलब उस स्ट्रगल को अडैप्ट कैसे करें मतलब कि जैसे हम ऑन फील्ड सेल को ज्यादा डिफरेंट कस्टमर से मिलते हैं तो सर कुछ कस्टमर
आपके दोस्त भी आपको गालियां मारते होंगे, ट्रीट देम एज योर फ्रेंड्स। गालियां क्यों मारेंगे, कहीं ना कहीं आपके काम में कमी है, उसको इम्प्रूव कीजिए। बीवी से लड़के आया है, सारा गुस्सा आप पे निकालेगा। हाँ होता है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में तो है नहीं। आपके कंट्रोल में क्या है, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। अभी आप पढ़ेंगे आगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनली आप अपने आप को कितना मैच्योर, कितना पेशेंट, कितना हम्बल बना सकते हैं, ये आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में है। आप उसे वापस गाली देंगे, वो आपका कभी शक्ल नहीं देखेगा, आपके कंपनी के उस प्रोडक्ट की सेल गई, दोबारा नहीं मिलेगा। सो वो गालियां दे रहा है, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ सर, आप बोल लो पहले, फिर उसके बाद में बोलूंगा। कितनी देर बोलेगा, 5 मिनट 6 मिनट, फिर वो बैठ जाएगा। फिर आप उसको पानी ऑफर करो, सर पानी पी लो, रस उग रहा होगा, वो आपका लाइफ टाइम कस्टमर बन जाएगा। कि यार इस आदमी ने किसी और का गुस्सा इसके ऊपर निकाल डाउनलोड कर दिया और इसने सारी बातें मेरी सुन ली, बंदा अच्छा, बंदा नेक है। तो आपने पहले उस आदमी को जीता, फिर उसकी सेल्स जीती। नेवर लूज होप, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी उस गुस्से में भी थी जो उसने आपके ऊपर निकाला। सो दो सिचुएशन विल कम, कंट्रोल योर इंटरनल एनवायरनमेंट, डोंट थिंक एंड गेट पैनिक फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑल राइट, एनी एनीबॉडी एल्स? अच्छा, वन मोर लास्ट क्वेश्चन, ओके। इसका मैट्रिक्स मैं आपको बताता हूं, जो टेलीकॉलर्स आपको कॉल करते हैं उनको ट्रेन ही इस तरह से किया गया होता है कि उनको दिन में 100 कॉल करनी है और एक लीड देनी है, एक लीड जनरेट करनी है। हर आदमी आपकी तरह नहीं होगा, देयर वुड बी सर्टेन पीपल। जैसे मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड है, मुझे SBI का क्रेडिट कार्ड चाहिए, ये नीड मुझे आज से 2 महीने पहले महसूस हुई। अमेरिकन एक्सप्रेस चलता ही नहीं है कहीं पर, बड़े लिमिटेड जगहों पे चलता है। HDFC, मेरा बैंक अकाउंट HDFC में है, इसलिए मैं उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कभी कुछ गलत चार्ज कर दिया उन्होंने तो वो तो सीधे मेरे अकाउंट से डेबिट कर, क्रेडिट कर लेंगे पैसा अपने अकाउंट में। सो मैं आई वॉन्ट टू डू अवे विद HDFC क्रेडिट कार्ड। आई एम वेटिंग, मेरे को भी क्रेडिट कार्ड के कॉल्स आते हैं कि किसी दिन SBI क्रेडिट कार्ड की कोई बंदी मुझे कॉल करे। तो वो कहेगी सर हम क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं आप SBI क्रेडिट कार्ड, मैं कहूंगा हाँ। सो उसकी ट्रेनिंग ही इस तरह से है, ओशन में से एक मुट्ठी पानी लेकर के आ रहा और उस पानी जब हाथ खोले तो उसमें एक मोती रखा हुआ, बस वो मोती शायद मैं होगा क्योंकि मुझे नीड है। उनकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है। वो आज कॉल कर रही है ना, अगर वो बंदी आपको और आपने उसको बुरा भला कह दिया, 5 लोगों ने और कह दिया होगा, वो बहुत अच्छी बहू बनेगी। बहू बनेगी, ननद बनेगी, व्हाटएवर बनेगी, लेकिन वो बहुत बढ़िया बनेगी, उसे आदत हो गई है सुनने की। एनीवे, थैंक यू वेरी मच गाइस।